अगर आपको अपनी कार में ये चीज कहीं पर लगी हुई दिख जाए, कार पर ही नहीं ये चीज आपको आपके पर्स, बैग या लगेज पर भी लगी हुई नजर आ सकती है। जैसे ही ये चीज आपको नजर आए फौरन सावधान हो जाएं, क्योंकि ये चीज आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। वहीं सड़कों पर होने वाले क्राइम्स के बारे में आपने सुना ही होगा, किस तरह से छोटे से लेकर बड़े बड़े गैंग क्राइम को अंजाम देते हैं, स्पेशली हाईवेज पर। कई बार लोगों के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसे वो वक्त रहते समझ नहीं पाते और फंस जाते हैं बड़ी मुसीबत में। सड़कों पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले लुटेरे भी लूटपाट के लिए अपने पैटर्न को भी हमेशा चेंज करते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर हाईवे पर कैसे ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और क्या है अभी का सबसे लेटेस्ट तरीका इस प्रकार से ठगी करने का। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दोस्तों, आपको अमेरिकन मॉडर्न के साथ हुए एक इंसिडेंट को बताते हैं। बात अमेरिका की है लेकिन हर भारतीय को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, कैसे बचना जरूरी है, क्योंकि ये चीज कभी भी इंडिया में भी आ सकती है। वो अमेरिकन मॉडल थी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देर रात पार्टी करके अपने घर लौट रही थी, तभी उसका ध्यान अचानक फोन पर जाता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। फोन देखने पर उसे मालूम पड़ता है कि उसे पिछले 4 घंटे से ट्रैक किया जा रहा है। जब वो परेशान होकर इधर उधर चेक करती है तो उसे पता चलता है उसके बैग में एक डिवाइस है जिसे एयर टैग कहते हैं। ऐसा ही मामला एक अमेरिका से भी सामने आया था, जहां एक लड़की के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी गाड़ी में एक टैग लगा दिया था। ऐसे में वो लड़की जहां भी जाती वो लड़का उसे ट्रैक करता था। ऐसे में इस डिवाइस की मदद से आपको कोई भी अकेला पाकर आपके साथ कुछ गलत कर सकता है, इसलिए जरा संभल कर। वैसे आपको बता दे, ये एयर टैग ऐसा डिवाइस है जिसे बनाया गया है लोगों की मुसीबतें कम करने के लिए, ताकि लोग जो चाबी और बैग इधर उधर रख कर भूल जाते हैं उसे वो आसानी से क्रैक कर सकें। लेकिन अब इसका गलत इस्तेमाल किया जाने लगा है। दूसरा, अब ये एयर टैग क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आगे वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इंडिया के हाईवे पर होने वाले क्राइम से रूबरू कराते हैं। हाईवेज पर कांटे बिछाकर टायर को पंचर करना, कार और बसों पर बैठे लोगों को लूटने का तरीका पुराना हो गया है। अब लुटेरे लूटने के लिए अंडे को अपना हथियार बना रहे हैं। इसमें ये लोगों पर चलने वाली कारों पर अंडे फेंक देते हैं और जब गाड़ी रुक जाती है फिर उसमें बैठे लोगों के मोबाइल, सामान सब लूट लेते हैं। दरअसल यहाँ पर अंडे का फंडा ये है जिससे सामने वाले का फंसना लगभग तय ही मान लीजिए। यमुना और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर इस तरह की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें लुटेरे सरनेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए सड़क पर चलते हुए आपको कोई आपके सरनेम से पुकारे तो जरा सावधान रहें। आपको एक अहम घटना के बारे में बताएं जिससे कि आप मामला अच्छे से समझ जाएंगे। मथुरा के रहने वाले सुरेश वर्मा पत्नी बेटी के साथ इमरजेंसी में कार से दिल्ली आ रहे थे। पलवल से कुछ दूरी पर ही बराबर की कार में बैठा शख्स उन्हें वर्मा जी कहकर पुकारने लगा। उसके बराबर में एक औरत भी बैठी हुई थी। इसी दौरान उसने कार को साइड से रोकने का इशारा किया और खुद भी अपनी कार किनारे कर ली। वर्मा जी ने सोचा कोई मिलने वाला या कोई जान पहचान वाला होगा, तो उन्होंने भी कार साइड से रोक ली। जैसे ही वर्मा जी की कार रुकी, एक कार आकर खड़ी हो गई, उसमें से 3-4 लोग उतर आए। 2 के हाथ में हथियार थे, लेकिन जिस कार में बैठा शख्स आवाज दे रहा था वो कार सीधे आगे चली गई। 10 मिनट में ही बदमाश वर्मा जी का मोबाइल, पत्नी के गहने और बेटी का मोबाइल लेकर फरार हो गए। वर्मा जी, शर्मा जी, पांडे जी, खान जी, ये सब बोलकर वो आवाज देते हैं। गाड़ियों के पीछे भी लोग सरनेम गुदवा के रखते हैं, जिससे भी प्रॉब्लम हो जाती है और ये गैस करते जाते हैं अपने हिसाब से। आवाज दिए और लोग रुक गए। कोई पहचान का है, कोई परेशानी में है, वो गाड़ी को कॉर्नर में कर लेते थे हेल्प करने के लिए और उसके बाद ये कांड होता था। तो सरनेम वाले कांड से बचकर, ये उस एरिया में ज्यादा हो रहा है दिल्ली के क्षेत्र में, हरियाणा के क्षेत्र में। पुलिस की माने तो जब हाईवे पर आप कार चला रहे होते हो, बदमाशों की एक कार ठीक आपके पीछे होती है। उस कार में बैठे लोग आपकी कार का नंबर, सब डिटेल वो निकाल लेते हैं, जिसमें कार मालिक का पूरा नाम आता है। लेकिन वो पूरा नाम कार चला रहे शख्स का है या नहीं, इसलिए बदमाश सिर्फ सरनेम से ही पुकारते हैं। कार में बैठा हुआ शख्स पुकारने वाला नाम कई कई बार आपका नाम पुकारता है,
आप भी कार चलाते वक्त सोचते हैं, इसलिए वो बदमाश आपके कार रुकते ही फरार हो जाते हैं। इसलिए सड़क पर चलते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसी कुछ भी घटना हो तो आप कोशिश यही करें अपनी गाड़ी वहीं रोके जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़ हो या किसी ढाबे या मकान के पास रोके। तो चलिए अब आपको एयर टैग के बारे में बता दें। इन दिनों ये एयर टैग भी बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल एयर टैग एप्पल का ट्रैकिंग डिवाइस है, जिसे हम किसी भी सामान के साथ जोड़ दें तो उसकी लोकेशन ट्रैक करना आसान हो जाता है। करीब 11 ग्राम का ये छोटा सा डिवाइस बड़े काम में माहिर है। ये आपके खोए हुए सामान को वापस दिलाने में मदद तो करता ही है, साथ ही एयरपोर्ट पर आपके सामान के साथ कैसा सलूक होता है ये भी आप इसकी मदद से देख सकते हैं। ये एक अल्ट्रा वॉइड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एप्पल के फाइंड मी नेटवर्क की मदद से सामान को ट्रैक करता है। आप अपने एयर टैग को एप्पल के आईफोन और आईपैड से कनेक्ट कर सकते हैं और जिस भी सामान को ट्रैक करना है उसके साथ कनेक्ट कर दें और आसानी से अपने फोन पर ये इंफॉर्मेशन लेते रहें कि आपका सामान कहाँ है। इस तरह आप एयर टैग की मदद से कार और पर्स की चोरी की घटना को भी रोक सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि साल 2022 के एक महीने में करीब 6 महिलाओं ने स्टॉकिंग की शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना था कि उनकी कार और पर्स में और उनके घर में भी एयर टैग मिले जो उनका नहीं था। दरअसल क्रिमिनल एयर टैग का इस्तेमाल करके लोगों को टॉक करने का यानी पीछा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी इस तरीके का काम कर रहे हैं। पति पत्नी इस तरीके का काम कर रहे हैं एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए। चोर भी कर रहे हैं इसका इस्तेमाल बड़े देशों में। तो ये टेक्नोलॉजी कभी भी चोर भारत में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बच कर रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों अगर आपको ये डिवाइस कहीं भी मिले तो अलर्ट जरूर रहे। दोस्तों आशा करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें व्हाट्सएप और यूट्यूब पर। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। इस तरह आप एयर टैग की मदद से कार और पर्स की चोरी की घटना को भी रोक सकते हैं।